हेजिंग रिपोर्ट और वेंडर को जो लायबिलिटी पे हम करेंगे उसकी हेजिंग रिपोर्ट। तो ये हेजिंग रिपोर्ट ये हेजिंग रिपोर्ट हां सर, उसमें ये रहता है ना ऐसा कुछ कि जीएसटी आर1 में जैसे बी2बी बी2सीएस बी2बीए बी2सीएल ऐसा कुछ रहता है सर? वही सेम है जो मैं पूछ रहा था भाई, अमित जी ने पूछा है। मैं क्या बोलता हूं वो क्लासिफाई कर रखा है, क्लासिफाई यहां मेरी डेटा ये रिकॉर्ड परचेज माइक तो इको हो रहा ना, इसलिए हो रहा ना इसलिए बस वो अमित जी का माइक से एको होता, पता नहीं क्या रीजन है। अब बोलो आप अमित जी ने बंद, अमित जी माइक बंद करना, अमित जी का माइक से होता बस वो। अमित जी मोबाइल पे भी होंगे और उस पे भी होंगे, क्या कहते हैं सिस्टम पे भी, तो दोनों जब पास पास में होता है तो एको होने लगता है। मोबाइल तो दूसरे का, मेरा हाथ में मोबाइल नहीं है अभी, मेरा दूसरे का चल रहा है। तो दो सिस्टम चल रहा होगा तभी आपको ये इको होता है, नहीं तो नहीं होता जल्दी इको। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कस्टमर एजिंग और वेंडर एजिंग रिपोर्ट क्या है। अब देखिए कस्टमर से आपको पेमेंट आनी है तो होता क्या है कि नंबर ऑफ डेज इसमें डिपेंड है, 30 डेज में कितने पेमेंट आ गया और कितना आउटस्टैंडिंग रह गया है, फिर 30 से 60 डेज में कितने आ गए, 60 से 90, तो ये इससे एजिंग बन जाता है कि पर 30 डेज में कितने हमारे पेमेंट आए और कितने आउटस्टैंडिंग, तो इसको आप कस्टमर एजिंग बोलते हैं। तो अब इसमें मैं एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ तो वो आपको बताएंगे। जैसे मैंने इस ब्रांच को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने अभी कस्टमर सेक्शन उठाया है, ये कस्टमर है, सपोज दैट कि अगर कस्टमर पूरे कस्टमर का हमें चाहिए तो हम ओके कर देंगे आ जाएगा, अगर किसी पार्टिकुलर कस्टमर का चाहिए तो ये सब चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है कि क्या होता है। अब यहाँ पे आप डेट डिफाइन कर सकते हैं कि 20 डेज के इंटरवल पे चाहिए कि 30 डेज के इंटरवल चाहिए कि 40 डेज का, वो आप यहाँ पे डिफाइन है। एजिंग डेट तो एजिंग डेट क्या होगा, टिल टू आज का डेट वही होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि पोस्टिंग डेट, तो पोस्टिंग डेट कब से कब तक, तो इतना टिल टू डेट तक। अब इसको देखिए चला के क्या हो रहा है, ट्रांसलेट रीडिंग करना चाहिए। अब इसमें देखिए ये देखिए, अब ये क्या किया, इसने ये बता दिया कि ये हमारा जितेंद्र कस्टमर है, ठीक है, बैलेंस ड्यू कितना है, इतना है। अब 0 से 30 डेज ये बैलेंस दिख रहा है 0063, ठीक है। ये आपका ये बता रहा है कि ये पेमेंट यहाँ पे आप देखिए आगे जा रहा है कि नहीं, देखते हैं। देखिए ये आगे गया नहीं, मतलब 0 से 30 डेज में ये पेमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर ये पेमेंट, अब ये पेमेंट देखिए, ये पेमेंट क्या है, यहाँ देखिए ये पेमेंट, ये अभी कंटिन्यू है 61 से 90 डेज के बीच में आया है। ये पेमेंट देखिए ये क्या है, 121 प्लस गया है। तो ये बताता है कि जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर में कितने दिन के इंटरवल में ये पेमेंट आया है और उसकी जो पेमेंट जो इनकमिंग हुआ है उसका क्या, यानी कि प्रोसेसिंग है। इससे क्यों यूज करते हैं, तो डनिंग इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग, कि आपने एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा पेमेंट टर्म में कि हम कस्टमर को कि 30 डेज या 40 डेज में पेमेंट आनी चाहिए, तो उसको देखने के लिए इसको यूज करते हैं। अगर सपोज 30 डेज का आपका पेमेंट टर्म है या 45 डेज का है और इसकी पेमेंट आ गई कहाँ पे, यहाँ पे आ रही है, लेकिन दैट केस अगर आपने कस्टमर को पेमेंट टर्म कंडीशन में ये दे रखा है कि आपको 18% या समथिंग एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे या उसके इंटरेस्ट लगेंगे, तो वो आप उस केस में उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो
उसके लिए एजिंग देखते हैं कि कब इसकी सर अभी 30 दिन में आ रहा है ये, मतलब 3063 रुपए ये उसने दे दिए हैं या इससे भी एजिंग चीजें पुरानी है, मतलब इस बंदे से 30 दिन पुराने हुए हैं इतने पैसे लेने या इसने पे कर दिए हैं? ये बैलेंस ड्यू है और ये पेमेंट मेथड कोड यहां पे है, पेमेंट हो गए हैं, यहां पे पेमेंट हो गए हैं। अगर ये होते तो आगे पढ़ता। अब ये देखिए यहां पे आया, मतलब ये पेमेंट ड्यू है, यहां पे देख रहे खाली पैसे चल रहे। हां जी, तो जब ये पेमेंट देगा उसी डेट ड्यूरेशन में जाके ये रिफ्लेक्ट करेगा। बैलेंस को दिखा दिया इसने कि ये बैलेंस ड्यू है, ठीक है। अब ये बैलेंस कब क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट से, यहाँ डेबिट हुआ है वो दिखाने के लिए आया। अब आप देखना चाहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं कि भाई किस डेट में आया है, क्या आया। बैंकिंग में जाके आप देख लीजिए कमिंग पेमेंट जो हुआ, ये देखिए कमिंग पेमेंट दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इनकमिंग पेमेंट में जाके आप देख लीजिए कि कब ये आया है पेमेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है। पहले वाली रिक्वायरमेंट है, दूसरी ये, ठीक है, समझ गया सर। पहला बैलेंस ड्यू है, दूसरी समझ गया सर। दूसरी इनकम रंजीत जी वो दिखा रहा है कि आपका जो ये अभी इनवॉइस बना है आपका, ये इनवॉइस अभी आपका ड्यू हुआ है 30 दिन के अंदर वाले केस में, मतलब ये अपना अभी पेमेंट आया उसका कुछ नहीं है, ये सी अपना जो। हाँ, मुझे भी सेम लग रहा है। ये बता रहा है कि ये जो 3063 रुपए 30 दिन हुआ है इसकी इनवॉइस को गए हुए, ये बता रहा है। अब इसका इसका पेमेंट टाइम देखिए ना, ये कस्टमर का जितेंद्र कुमार जी का। हाँ, जितेंद्र कुमार जी का पेमेंट टाइम क्योंकि ये बता रहा है कि 30 दिन हो गए हैं इसके पेमेंट नहीं आई है, 30 दिन हो गए इसके पेमेंट को बने हुए। पेमेंट 10% एडवांस, 40% डिलीवरी, 10% आफ्टर कंप्लीट इंस्टॉलेशन। ये देखना पड़ेगा कि एंड ऑफ ईओडी है कि क्या है। बिल्कुल, हो सकता है कि उसका कुछ पेमेंट आ गया होगा, इतना पेमेंट ड्यू बच गया है, लेकिन इनवॉइस ही आपकी 3063 की है ना। हाँ, अब जैसे ऊपर वाला केस, नीचे वाला केस है। हाँ, अभी जो उसके पेमेंट आया नहीं है, खुला हुआ है, ये देख रहे हैं, आया नहीं है। हाँ हाँ, आगे जाना चाहिए था इसको बने इसको और आगे बढ़ना चाहिए था इसको। महाराज नहीं, अभी 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 30 दिन के अंदर ही है। नहीं रंजीत जी, इसमें डेट नहीं डला हुआ है ना, डेट डला है ना, अब देखिए ना, वो पोस्टिंग डेट से ले रहा है ना, पोस्टिंग डेट आपकी कब की है इनवॉइस की, उसको काउंट नहीं कर रहा है वो, 26/12 की है। नहीं, इसको नहीं ले रहा है वो, इसको काउंट ही नहीं कर रहा है वो, पोस्टिंग डेट इनवॉइस की डेट से पकड़ रहा है वो। पोस्टिंग डेट है 26/12 अभी आ गई 19 क्या है आज, होगी 19/1। हाँ, तो ये अभी 30 दिन के ब्लॉक में ही चलेगा, 0 से 30 दिन। बिल्कुल समझ गया, मैं समझ गया। हाँ समझ गया सर, समझ गया। जैसे जैसे 27 तारीख जाएगा ना, 19 तारीख है ना, आज 19 तो 19 अभी, ठीक है, 0 से 30 दिन। हाँ सही है सर, बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है, ये बता रहा है कौन सी इनवॉइस पेंडिंग है जिसकी पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट हुई भी नहीं दिखा रहा है। सही है, बिल्कुल समझ गया मैं, डन है। जैसे नीचे वाले देखिए आप, ये सुधीर तोमर साधु तोमर के, उसमें 25/2 से आई 30,000 पेमेंट आ गए ना, ये उसका 30,000 का पेमेंट जमा है उसका। आरसी क्या है सर, ये आरसी रिसीव क्या है, इनकमिंग पेमेंट है, ठीक है, ठीक है, रिसीव करेंसी, आरसी रिसीव करेंसी 30,000, ये इनवॉइस है इसका $505 की, ठीक है। अब आगे आगे देखिए, अब 30,000 में से उसके कैलकुलेशन 506 कैलकुलेट करके बताएगा अपने को। जो 11,200 रुपए रह गए हैं वही पेंडिंग रह गए हैं बस, मुझे लगता है 91 से 90 दिन के बीच में। अरे जी, आगे 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 ड्यू है, अभी हुई नहीं है,
नहीं हुआ, ठीक है 121 के ऊपर चलेगा, उसको डेट देखिए ना, डेट से पता चल जाएगा। आप डेट देखो ना दूसरे महीने की है अभी, हाँ इसलिए 121 दिन के ऊपर दिखा रहा, देखिए आप बराबर पेमेंट जो आया वो भी आ गया 121 दिन के ऊपर, और जो अपना इनवॉइस बना है वो भी 121 दिन के ऊपर हो गया। बिल्कुल ये डीटी देखे तो डीटी क्या, एक मिनट जरा रंजीत जी, डेबिट नोट डाउन पेमेंट को भी, डाउन पेमेंट को भी 121 दिन हो गए। एजिंग प्रोडक्ट जो भी हो गया उसका टोटल बता देती है, इतने दिन हो गए, चाहे इनवाइस हो चाहे कुछ भी हो, पेमेंट आया कब उसका भी बता देगा, उसमें उसका बता रहे कितने पुराने हो गया। हाँ समझ गया सर। इसमें एक चीज पूछनी थी रंजीत जी, इसमें एक चीज मुझे देखनी थी, जो इंटरवल लिखा है इंटरवल डेज, उसमें ड्रॉप डाउन कीजिए ना, ड्रॉप डाउन डेज पे ड्रॉप डाउन कीजिए, डेज पे डेज मेरे डेज में डेज में ठीक है एकदम ये मान। अच्छा एक बार मंथ पे क्लिक करिए ना सेम कंडीशन को, हाँ इसको करिए ओके, अपन देखते हैं। दिसंबर में ड्यू होगा, दिसंबर में ड्यू होगा ठीक है, समझ गया ठीक है। ठीक है तब कब हमको पेमेंट देना है, किस 10 को बना है अपन ने, इसको कितना टाइम दिया, ये 2 महीने से 21-10 2 महीने, अब इसमें डेज एप्लीकेबल होगा, तो अपने प्लानिंग पेमेंट टर्म है ना, अब वो एप्लीकेबल इसमें होंगे। ड्यू डेट दिखा रहा है ना, ये पोस्टिंग डेट हो गया, डॉक्यूमेंट डेट अगर है तो डॉक्यूमेंट डेट के बेस पे देख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बन रही है, 2423 रुपए का अपना बैलेंस ड्यू अपने को देना है। हाँ वो खड़ी होगी इसमें फिर अपने को देखना पड़ेगा कि अपना पेमेंट अब सब इसको कितना दिया हुआ है, इस वेंडर को या इस वेंडर ने अपने को कितना दिया है, उस बेस पे कैलकुलेट कर रहा है, तो मतलब ये 2 महीने के ऊपर जा रहा है, मतलब ये 61 से 90 दिन के अंदर जा रहा है, तो अपने इसमें पेमेंट हम देखे तो कितना डाला है अपन ने इस कस्टम में वेंडर का, पेमेंट टर्म्स 45 डेज कैलकुलेट कर लीजिए, 45 डेज पता चल जाएगा बराबर है। ज्यादा हो गया ना, 90 दिन के अंदर चले गया ना, 3 महीने से बराबर है, 10, 11, 12 और मान लो के 11, 12, 1 बराबर है, 3 महीने के ऊपर चले गए, 3 महीने के आसपास आ गया वो। एक इन्वेंट्री का मुझे एक चीज और देखनी थी, इन्वेंट्री की साइकिल देखनी थी मुझे पूरी,